तो दोस्तों मैं पहुंचा हुआ हूं अहमदगढ़ लुधियाना पंजाब के अंदर, और यहां पे आप देख सकते हैं राजा इंटरप्राइजेस और राजा जी के लड़के हैं ये। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा दो कार वॉशर के बारे में, क्या काम करता है, कैसे आप तक पहुंच सकता है, यानी कि आपको कैसे मिल सकेगा कार वॉशर। और बात करें तो गाय भैंस का अगर कोई फार्म किया है और वो धुलाई करना चाहता है तो बिल्कुल आसानी होता है। अगर एक रियलिटी में देखा जाए तो खुरपका जो जब हो जाता है किसी के फार्म पे तो उस टाइम धुलना काफी मुश्किल होता है। खुर के अंदर जो कीड़े होते हैं उसको साफ करना काफी मुश्किल होता है। जब तक अगर किसी प्रेशर से ना मारा जाए तब तक वहाँ दवा नहीं पहुँचता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, कार वॉशर से आप गाय वॉश करके, यानी कि अपने गाय को धुल कर, या फिर वो बीमारी को जो भी मतलब कीड़ा हो गया आपके खुर के अंदर तो वहाँ तक कि अगर आपको पहुँचाना है प्रेशर कोई दवा तो बिल्कुल आसानी से पहुँचता है। तो आज ये दो मशीन के बारे में जानेंगे। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए मैं राजा जी के लड़के से मिलवाता हूँ जो वेटनरी डॉक्टर यानी कि वेटनरी का पढ़ाई करके और अब खुद अपने कंपनी में आए हुए हैं। आइए मिलते हैं उनसे। तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत है, आप इतनी दूर से हमारे पास चल के आए हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो हमें बताएं ये दोनों कार वॉशर के बारे में ताकि हमारे किसानों को जो भी आसानी हो जाए उनको वीडियो देखने के बाद, और आपके पास सिर्फ फोन करें तो उनको खरीदना हो। जो ये हमारे दोनों कार वॉशर हैं ये पहले डोमेस्टिक के लिए है। अगर कोई घर पे अपने जिसके मान लीजिए शेड काउ का शेड है या अपनी वो गाड़ियां धोना चाहता है तो ये हमने घर के लिए ये हमने कार वॉशर बनाया है। और जो ये है ये कमर्शियल है, जो किसान भाई अपना ढग लगाना चाहते हैं, अपनी गाड़ियां धोने का करना चाहते हैं जी, कहीं पे भी लेकर जाना आना बिल्कुल आसानी से बिल्कुल इससे हो जाएगा। ये हैवी है या नॉर्मल? ये नॉर्मल है बिल्कुल। ये डिफरेंस है ये दोनों में, इसके बारे में बताया सर ये कितना एचपी का है? जैसे कि इसमें देखिए ये 2 HP का इसमें मोटर लगा हुआ है जो कि कॉपर में है। आमतौर पे क्या है किसान भाइयों को पता ही नहीं चलता कि मोटर कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है। तो आप जो भी कोई मोटर ले उसको कॉपर का देख के ले, उसका वजन ज्यादा रहता है, जो एल्युमिनियम का रहता है उसका हल्का रहता है। दूसरा क्या है, जो इसका आगे का पंप है वो सारा ब्रास का बना हुआ है। आमतौर पे जो इसका आगे का पंप रहता है वो एल्युमिनियम का रहता है, हमने पर इसको ब्रास का दिया है ताकि फार्मर की जो ये मशीन है लंबे समय तक चलती, क्योंकि जो मेरे किसान भाई का पैसा है काफी मेहनत का पैसा होता है, वो काफी समय से सोच के उसको पैसे को इकट्ठा करता है और फिर वो मशीन लेता है। अगर उसकी वो मशीन खराब हो जाती है तो उसका सारा पैसा खराब हो जाता है। इसलिए हमने एक एक पार्ट का ध्यान रखा है कि हम इसको हैवी से हैवी ही देने की कोशिश करें। जो ये पाइप है ये हमने स्प्रिंग वाली पाइप दी है, अगर आप इसके ऊपर से ट्रक भी निकाल दोगे तो मशीन खराब नहीं होगी और सर्दियों में ये चटकेगी नहीं। इसको भी काफी हमने हाई क्वालिटी का बनाया है। जो आगे की गन दी है इसमें एडजस्टमेंट दी है, क्योंकि पशुओं पे जो हम ये डायरेक्ट प्रेशर स्प्रे नहीं कर सकते तो आप इसको जो प्रेशर है वो एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि साइड में आपको दिख भी रहा होगा, और इसको तीखा भी कर सकते हैं, एक फॉग जैसे सीधा कर सकते हैं और फॉग भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इसके फॉग भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। साथ में हमने इसके साथ फोम गन दिया, अगर कोई किसान भाई इसके साथ अपना शैम्पू वगैरह डाल के चलाना चाहते हैं तो आप इसके साथ फोम भी कर सकते हैं। साथ में एक सेफ्टी किट दिया, अगर आपने इसकी अगर मान लीजिए कुछ लीकेज वगैरह होता है तो सारी किट हमने इसके साथ ही देते हैं। ओके जी, अभी बात करें तो कमर्शियल वाले की, इसमें हमने 55 नंबर का पंप लगाया हुआ है जिसका कि डिस्चार्ज 55 लीटर एक घंटे का रहता है, एक मिनट का रहता है। साथ में कलसी की 1.5 HP की हमने कॉपर की ही मोटर लगाई है, साथ में हमने हैवी कलसी की मोटर लगाई है जिसकी बिजली की खपत काफ़ी कम है, क्योंकि जो ये डग पे लगते हैं कार वॉशर इसको रेगुलर काफ़ी समय तक चलाना होता है, तो आप इसको चाहे 10 से 12 घंटे तक रेगुलर चलाएं मशीन को कुछ नहीं होगा। बाकी हमारा 1 साल का गारंटी रहता है हर एक प्रोडक्ट का, कुछ भी खराब होगा चेंज करके देंगे जी। 1 साल का गारंटी रहेगा दोनों प्रोडक्ट जी। और मैं समझाना चाहूँगा जो भी किसान भाई मेरे बिजनेस करना करने की सोच रहे हैं, तो एक गाड़ी का अगर आप लगाकर चले, अगर आप इसको डग के माध्यम यूज़ करना चाहते हैं तो एक गाड़ी का आमतौर पे 150 से 100 रुपये रहता है, बाइक का 50 रहता है, गाड़ी का 100 रहता है धोने का। बिल्कुल। तो आप इसका मान के चलिए अगर आपके पास रोज की आप 10 गाड़ी भी धोते तो 1000 रुपये आप इससे प्रतिदिन कमा सकते हैं। बिल्कुल जी, 1000 रुपये तो आराम से, 10 गाड़ी तो आराम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप 10 गाड़ी धो के इससे 1000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। अगर बात करें ये डोमेस्टिक छोटा वाले की, तो इससे अगर हम धुलना चाहे गाड़ी तो नहीं धुलेगा? इससे क्या है, देखिए ये घर के लिए बना हुआ है, आप इसको रेगुलर आधे घंटे तक चला सकते हैं, जिसका काम है वो वैसे ही काम, मतलब इसको कम यूज में ले सकते जी, हैं जी, जी। देखिए जो अलग अलग मशीनें हैं इनका अलग अलग यूज है, जो ये बनाई गई है आप इससे 50 से 100 गाड़ियां रेगुलर धो सकते हैं, जो ये मशीन है जैसे घर में 2 से 4 गाड़ियां रहती है तो आप इससे 2 से 4 गाड़ियां डेली धो सकते हैं। यानी अगर कोई फार्मर खरीदना चाहता है जिसके पास 15-20 पशु हो, बिल्कुल वो आराम से
दो चार करके गाय दूध के धुलने के लिए छोटा वाला भी ले सकता है। डेयरी फार्मर ये प्रेफर कर सकता है जो हमारा ये 280 मॉडल है। 280 मॉडल है, ओके। अब हम दोनों का प्राइस जान लेते हैं, उसके बाद हम डेमो जानेंगे। बिल्कुल, जो ये हमारा कार वॉशर है 280 मॉडल, इसका प्राइस 9500 है, और जो ये हमारा कमर्शियल सीरीज है इसका 19500 है। 19500, और इसका कितना बोले? इसका 9500। 9500 जी, ओके। तो अब हम चाहेंगे सर कि दोनों का डेमो दिखाया जाए। बिल्कुल, आइए मैं आपको इसको डेमो देके दिखाता हूँ कि इसका कितना प्रेशर है और इसको कैसे अब चला। तो अभी मैं आप इसको तरबूज को काट के दिखाऊंगा इस प्रेशर से कि इसका प्रेशर से कट जाएगा। बिल्कुल कटेगा भाई साहब। ओके, अभी मैं आपको तो लाइव डेमो देके दिखाता हूँ। तरबूज है, और सर ने एप्पल भी मंगा के रखा है कि एप्पल तो आम बात है, ये नॉर्मल चीज है, ये कट सकता है, लेकिन तरबूज का तो मुझे शक हो रहा है। देखते हैं दोनों कार वॉशर को हम लोग यूज़ करेंगे डेमो में, और इससे कटता है यानी कि प्रेशर समझ में आएगा आपको कि कितना प्रेशर है। ओके सर, डेमो दिया जाए। अभी हम बड़ा वाला जो कमर्शियल यूज में ले सकते हैं कि किस तरह से काम करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग दिया गया है इसमें कितना प्रेशर आपको रखना है, उस हिसाब से आपको सेट करने का पूरा तरीका बता दिया जाएगा। वैसे भी अगर कोई मशीन आप खरीदते हैं, चाहे कोई किसी तरह का भी मशीन हो, नए नए में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, बाद में धीरे धीरे आप उसको एडजस्ट करना जान जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से बाइक का वॉश हो रहा है। तो इसी तरह से कोई भी बाइक वॉशर, जो भी कार वॉशर वाला रहता है, कहीं पर भी आप गाड़ी धुलवाते हो तो इसी तरह से आपको धुल कर मिलता है, या धुलवाने जाते हो तो वहाँ पर देखने मिलता है। तो पाइप का मीटर जो भी है, 5 मीटर 6 मीटर जो भी है, उसके साथ में मिलेगा। बाकी 50 फुट कितना मीटर होता है? 50 फुट आपको साथ में मिलेगा। बाकी का अगर और एक्स्ट्रा चाहिए और लंबा पाइप में चाहिए तो आप पहले ही बता दें, तो आपको ज़्यादा लंबा पाइप में भी दिया जाएगा, उसका एक्स्ट्रा चार्ज 60 रुपये मीटर के हिसाब से लिया जाएगा। साउंड आप बिल्कुल माइनर देख पा रहे हैं, एकदम बिल्कुल कम किलोवाट वहाँ पे आप देख सकते हैं,